बोल देता हूँ। शाहज खान, मुनव्वर खान, स्पीड स्लो नहीं थी कि नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ऑपोजिट वे पे है ना, फ्लो इस साइड पे है। कालाबा क्रॉस कर सा, कालाबा क्रॉस कर सा ना, कुकड़ा वाले वांडे तो बात फिर सा, ठीक है ना। उधर खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। उमेश के अंदर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू सो मच अब्दुल रहीम खान। जोर शुरू हो गया, इसकी वजह तो वाते बंद हो गया, वरना इतने बड़े बड़े मेला लगना उसकी वजह तो ये चीज बंद हो गई। बाकी तुसा मुकामी काला बाग ए पुल ने बारे कुछ हिस्ट्री रखे ने हो, या वही मैं तो नाल नाल दस देवा। ये साल 1928 को बना जी, क्योंकि तो उम्र ने हिसाब जो छोटे नौजवान थे, और ये इसने टोटल 13 स्पैन 8 स्पैन ये बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये स्टार्ट वाले हैं ये पाकिस्तानी इंजीनियर ने बनाया। पहले इसके लोकोमोटो इंजन चलना कोयले वाला, ये माड़ी इंडस तो बनू चलना, अजी ट्रैक इसने विच मौजूद है, ट्रैक इस मौजूद लगवाया हूँ। अगर पहले फट्टा सिस्टम लगवाया, फट्टा जाए फट्टे छट्टे खत्म करके हूँ डिस्काउंट कंपनी वाले बेहतरीन कारपेटेट बना छोड़ा।
बाकी ये काला बाग ने टोटल तकरीबन कंसल्टेंट 24,000 तो अबाव तकरीबन इर्द गिर्द आबादी है। हाँ तो काला बाग ने मेन चीज़ जी है वो ज़्यादातर तजारत करने लोग कपड़े ना कारोबार होने लोहे ना बर्तन बनने जी हाँ। उस तो अलावा इन्होंने जरा नमक ने डेकोरेशन पीस बनने इन्हों हलवा बड़ा मशहूर है काला बाग ना जरा पैकिंग करके अमेरिका बार फॉरेन कंट्रियाँ तक भेजा वेने जी हाँ। हाथ वाले पखे बनने हैंड फैन ये बनने और नमक दिया काना हैं सामने वाले को सलागर वाला पहाड़ आखने सलागर का पहाड़ सामने ना सलागर इसने जो माइने काफ़ी नमक दिया लोगों ने रोजगार ना जरिया भी नमक नहीं ज़्यादातर माइने के बच्चे है तो ये चीज़ा थोड़े मुकामी होने बावजूद ही कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए क्योंकि मेरा तलक टूरिज्म ना ले तो मैं काफ़ी इतने 4-4.5 महीने से टूरिज्म मैं थ्रू आउट डैम कालबा डैम तक जेरे इलाके उन्होंने मालूमात रखे ना जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे थी इंशाल्लाह तो आपको बेहतरीन मौका दिखा था ये रेस्ट हाउस नवा बने ये सामने जरा फर्स्ट रेस्ट हाउस है ये हाजी अख्तर अनवर प्राचे बनाया सर इस सिरे का ये नाल परते नज़र आने पैन ये शादी हाल बनाए नवा शादी हाल बनाए क्योंकि लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं क्योंकि दरिया के नज़दीक एक व्यू वो उस तो अगे कोट बंगला है कोट बंगले तो पहले पहले सरकारी रेस्ट हाउस आने उतने नाल जा रहे हैं हाईवे वाला PMDC वाला ये दोनों रेस्ट हाउस नाल नाल है ये पॉइंट ही सादा सामने वाला जरा लॉन्च कर लें सामने जो अपनी गप चुप सुनाओ तुहानू लोग जलील भाई जी सर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप जी बिल्कुल आज हम आए हैं अपने उमेर सिकंदर भाई के मेहमान और खुद आए हुए हैं इनके चूँकि नेज़ाबाजी भी हो रही है वहाँ के कुछ दोस्त अहबाब भी इनको अटैच कर रहे हैं तो आज इनका प्रोग्राम था हमें बोटिंग कराने का तो यहाँ इनका इनको लेकर आए हैं बोटिंग करा रहे हैं जो नेचुरल सीनरी देख रहे हैं लोग इनके मेहमान बड़े खूबसूरत ये जो नज़ारा है मैं समझता हूँ कि बहुत से इलाकों में से हमारा मियांवाली एक है मैं चैलेंज से कहता हूँ कि इतने खूबसूरत पहाड़ दरिया और ये घर ये खूबसूरत नज़ारे किसी किसी इलाके में शुक्रिया थैंक यू जलील भाई तोड़ने पास जितनी जगह है ग्रिल लगी हुई है दरख्त थले बड़ी खूबसूरत जगह है थले बहुत ही ना बड़ी सोहनी जगह है ठंडी जगह बड़ा घाटा दरख होते हैं ये सर दिखे ना पे हाजी अनवर अख्तर अच्छा हाजी ने बनाए रेस्ट हाउस और
सर पीएमडीसी ने सर पीएमडीसी ने सर नाल रेलवे ने जरा एक्सीएम साहब उसी रेजिडेंशियल एरिया है सर उस तो बाद हाईवे ना से पंटून सारी कंपनी ने खला है सर ये मैं इस वजह तो आंदा है कि अगर कोई बंदा इतों पावना चाहे तो बोर्ड में इतने ला देना है तो सौख थी ना ना जी ये पीएमडीसी ने सर हाईवे जेरे को आखिर में वो ये हाईवे ना है वो पीएमडीसी है जी हाँ आला जरा लाना चाहते हैं इतने सेटिंग क्यों या बता नहीं सके ये बोर्ड बंगला जी ये नहीं है ना हिस्सा है सर बोर्ड बंगले ना ये हिक्का है हिक्का पिंड नहीं है ये नवाबों का रेजिडेंशियल एरिया है समर सीजन में गर्मी में यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं विंटर सीजन में वो किला एरिया में चले जाते हैं मलक अमाद खान फवाद खान मलक वहीद खान ये सब टोटल फैमिली गर्मियों में ये पानी गर्मियों पानी बिल्कुल ऊपर जाता है लेकिन हाँ गर्मियों में पानी जाता है लेकिन इतना नहीं अगर फ्लड सीजन हो तो फिर शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर ये बोर्ड इनकी पर्सनल अपनी बोर्ड बनाई हुई है वो सामने अभी ये जो प्रोग्राम लगा था एक दिन जियो के साथ एक दिन जियो के साथ लगा था तो ये बोर्ड वाली इस्तेमाल हुई थी ये वाली बोर्ड अपना हाजी अनवर अख्तर है ना प्राचा उनका रेजिडेंशियल है वो जो पहले वाला रेस्ट हाउस मैंने दिखला है उसी का ओनर है ये फिर साथ साथ मुख्तलिफ इन्हीं को देखकर खूबसूरत ये बना रहे हैं अभी देख रहे हैं ना जहाँ जहाँ नज़दीक नज़दीक है एक दूसरे को देख कर ये मस्जिद है ना सर ये मस्जिद नहीं मस्जिद है सामने ईदगाह मस्जिद है ये रेजिडेंशियल है किसी ना ये ईदगाह मस्जिद के सामने कहड़ी शो ये दो टैंक वाटर टैंक सर
अच्छा जी, ये वाटर टैंक पानी सप्लाई, हाँ ये गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने टाइम ने बने हुए सर, इसने हम दोबारा रिपेयर करा के इसको सेट किया ने, जरा पूरे शहर को पानी इसे को सप्लाई हो रहा है। लोगों के घर हैं सारे, ये सारे घर हैं सर। एक प्रोग्राम ये भी था जब इमरान खान ने मियांवाली में इस टूरिज्म का ओपनिंग सेरेमनी की थी, तकरीबन 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट का अफ्तताह किया था, तो उसमें यह प्रोजेक्ट भी शामिल था। जो इससे पहले वाला डीसी है उसने इमरान खान को एक पिक्चर दिखलाई थी कि जो कालाबाग की ये आबादी है, शहर है।